Good morning, friends. Today I am going to start Panorama teaching. Panorama part 2 is for Bihar board standard 10th. So, on the demand of so many friends to make videos for a standard 10th Bihar board, today I am here going to start video making for a standard 10th bihar board english we all know that english is very very important subject without getting mastery in english without getting proficiency in english language we cannot develop our personality according to good and standard measure so we must take keen interest in english learning सो पनोरमा टू पार्ट टू इज फॉर स्टैंडर्ड टेंथ फ्रेंड्स बिहार बोर्ड के अंतर्गत अंग्रेज़ी पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये पनोरमा पार्ट टू मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप इसको लगातार देखते रहिए मैं सभी चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनका भी समाधान करूँगा सो so, आपसे निवेदन ये है कि अगर मेरा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने आसपास के जो आपके दोस्त हों जो क्लास साथी आपके होंगे उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे ये लगेगा कि आपको ये पसंद आ है आपको इसका नीड है और मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। सो आई थिंक यू विल श्योरली सब्सक्राइब इट शेयर इट लाइक इट एंड इफ इवन आफ्टर दैट एनी थिंग विच यू फील दैट इज नीडेड मोर देन यू विल पुट इट इन योर डिमांड इन योर एज योर डिमांड इन दिस कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई विल प्रोवाइड मोर करेक्ट एप्रोप्रिएट वीडियोज फॉर यू सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पनोरमा पार्ट टू एक्चुअली वॉट वी हैव टू रीड इन दिस बुक अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड सिलेबस तो इस किताब में जो पढ़ना है आपको इन दिस बुक दैट इज समज फॉर प्रोज Number one piece of prose, that is The Pace for Living, Me and the Ecology Bit, Gillu, What is Wrong with Indian Films, Acceptance Speech, Once Upon a Time, The Unity of Indian Culture, Little Girls Wiser Than Men, आफ्टर देट पोट्री सेक्शन गॉड मेड द कंट्री ओड ऑन सॉलिट्यूट पॉलिथिन बैग थिन्नर देन एक दी हार्ट पेरिसामी थुरूम का लिखा हुआ है पेरिसामी थुरन कोयल पूरन सिंह द स्लीपिंग पोर्टर मारथा आफ्टर डैट रीड थिंक एंड इंजॉय सेक्शन में आपको नंबर वन चैप्टर स्पेयर द रॉड द लास्ट लीफ. ओके सो टुडे वी विल डू आवर चैप्टर नंबर वन प्रोज सेक्शन दैट इज द पेस फॉर लिविंग आर सी मिस्टर आर सी हैज़ रिटेन दिस चैप्टर ही इज ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट. नोवेलिस्ट मतलब वो जो नोवेल लिखता है उपन्यासकार ब्रिटिश ब्रिटेन के वे थे सो आरसी सी हटचिंसन ही वाज ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट नोवेल लिखते थे उपन्यास लिखते थे हिबिट्स एंड प्लेयर फ्लेयर ऑफ टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्प्री सोसाइटी विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेज वो भारतीय कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मतलब तत्कालीन समाज आर सी हर्षिंसन साहब ये तत्कालीन समाज के सभी विरोधाभासों को हाईलाइट करते हैं अपने लेखन में ही हाईलाइट्स ऑल द कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेज इन हिज राइटिंग ऑफ दी कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी इन द पेस फॉर लिविंग आर सी हरचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन ही ब्रिंग्स आउट एगोनी मतलब प्रॉब्लम्स दर्द दुख एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन मॉडर्न मैन का एगोनी क्या है पेन क्या है दर्द क्या है उसको उन्होंने हाईलाइट किया है इस चैप्टर में द पेस फॉर लिविंग ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हार्ट्स द नॉर्मल रिजम एंड एग्जर्ट्स अंडू प्रेशर ऑन मेन, विमेन एंड चिल्ड्रेन किस तरह से आधुनिक जीवन में विकास के नाम पर हम लोग इतने ज़्यादा गतिमान हो गए हैं कि अत्यधिक गति के चलते पेश के कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो इसका प्रभाव मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हार्ट्स नॉर्मल रिदम सामान्य जो रिदम है लय है जीवन का लय रिदम ये समाप्त हो गया है बदल गया है एंड एक झड़ू प्रेशर और ओवरलोड कर दिया है अनवांटेड प्रेशर को मेन विमेन एंड चिल्ड्रेन स्त्री पुरुष और बच्चों सबों के जीवन पर एक अनवांटेड प्रेशर आ गया है जीवन में गति के कारण आज का समाज अति अत्या, अत्यधिक गति के साथ सफलता पाने में यकीन करता है तो यकीन होना गति में गलत नहीं है बट समाइम्स इट पोजेज प्रॉब्लम्स अत्यधिक गति होने के कारण सिंपल सी बात है दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कभी कभी तो इन दिस मॉडर्न एज वी आर रनिंग आफ्टर डेवलपमेंट एंड सो इन दिस वे वी आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर आवर लाइफ ऑल्सो फॉर आवर लिविंग तो जीवन में गतिमान होना चाहिए लेकिन अत्यधिक गति होने से व्यक्ति को दुर्घटना का शिकार भी होना होता है तो यह सिर्फ गाड़ी चलाने के सेंस में ही नहीं है बट इट इज एप्लीकेबल इन द लाइफ ऑफ इन द लिविंग ऑफ लाइफ ऑल्सो या जिंदगी जीने के भिन्न भिन्न तरीकों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी यह लागू होता है तो पेस फॉर लिविंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हम लोग इस चैप्टर में पेस फॉर लिविंग जीवन जीने के लिए जो गति चाहिए उस पर विचार करने वाले हैं आज के युग में जो अत्यधिक गति है उसके कारण व्यक्ति का पूरा लाइफ प्रभावित हो गया है सुख चैन जिंदगी से दूर चले गए हैं इसे लाने के लिए हमें ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपने प्लानिंग को कि क्या आंख मूंदकर अंधी दौड़ में शामिल होना विकास के नाम पर आँख मूंद के दौड़ना सही है नहीं हमारे दोस्तों मेरे दोस्तों प्लीज़ इस चैप्टर में जो थीम है हम लोग इसको समझेंगे तभी जाकर के सही सही आंसर लिख पाएंगे सो so, प्लीज़ आप चैप्टर के हर लाइन को ध्यान से देखिए सो दैट यू मे बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस न दे कम इन द एग्जामिनेशंस बिहार बोर्ड के पढ़ने वाले दोस्तों आप लोगों को अंग्रेजी की तैयारी कराना इस मेरे चैनल का एम है सो so, आपके सामने ये लाइन बाई लाइन टीचिंग का प्रयास मैं कर रहा हूँ वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग अब इस टॉपिक को जब हम लोग डील करेंगे तो इससे ये समझ में आएगा कि टॉपिक का थीम क्या है टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक दियर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ मॉडर्न यूथ आज के नौजवानों का क्या लाइफ स्टाइल है इसके विषय में चैप्टर है तो अपने दोस्तों से पूछिए डू यू फाइंड लाइफ लीजरली और फास्ट क्या आपको लगता है कि लाइफ में लीजर है आराम है सुकून है या आपका लाइफ बहुत फास्ट है आर यू सेटिस्फाइड विथ वाट यू सी टूडे क्या आजकल जो आप देखते हो लाइफ में आप उससे संतुष्ट हो और डू यू नीड एनी चेंज क्या जीवन जीने का तरीका आपका सही है क्या आँख मूंद करके आप जो नंबर के पीछे भाग रहे हो आपको जॉब चाहिए पैसा चाहिए अच्छा मकान चाहिए सफलता चाहिए नौकरी चाहिए तो क्या इसके पीछे आँख मूंद करके भागना क्या जिंदगी में शांति और सुकून लाने का एकमात्र तरीका है राइटर जो राइटर है चैप्टर का उन्होंने इस मैटर को हाईलाइट किया है डिस्कस किया है उनके व्यू को मानना न मानना पाठकों के ऊपर डिपेंड करता है ज़रूरी नहीं है कि लेखक ने जो मुद्दे उठाए जो उन्होंने विचार अपने तरफ से रखे आप भी